बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। पर्व को लेकर जहां स्थानीय प्रशासन अलर्ट है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न शहरों के गंगा नदी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पटना के NIT घाट पर प्रशासन के द्वारा मेडिकल की सुविधाओं से लेकर घाटों पर छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं। निगम ने इलाके में छठ व्रतियों को कोई समस्या ना हो और भीड़ पर नज़र बनाकर रखी जाए, इसके लिए 59 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाए गए हैं। घाटों पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। घाटों पर सैकड़ों हेलोजन लाइट लगाए गए हैं ताकि छठ में रोशनी की कोई समस्या ना हो। जनहित टाइम्स की संवाददाता आयुषी मिश्रा पटना के NIT घाट पर पहुंची और महापर्व पर लोगों से बातचीत की। जनहित टाइम्स की टीम आपको बिहार के छठ पूजा की हर एक कवरेज दिखाने जा रही है, और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के NIT घाट पे, इसको गांधी घाट भी कहा जाता है, और आपको चल के दिखाते हैं कि इस महापर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं घाट पर। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो चेंजिंग रूम्स में हैं, जितनी भी छठ व्रती जब स्नान करके निकलेंगी तो उनके लिए चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। इसके अलावा दुल्हन की तरह इस पूरे घाट को सजाया गया है। यहाँ पे लोग काफ़ी उत्साहित हैं, छठ पूजा आ गया है, बिहार का महापर्व है, देश दुनिया से लोग आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए बिहार में। क्या महानता है इस पर्व में ऐसा कि लोग इतना ज़्यादा इस पर्व को अलग मानते हैं? छठ का अपना ही महत्व है, लोग माने इस आस्था के साथ जुड़ा हुआ है बिहार का दोनों लोग। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस पर्व में लोग थोड़ा डर के रहते हैं कि कोई भूल चूक ना हो जाए, ऐसा क्या है? क्योंकि पूजा तो हम हिंदू लोग हर पूजे को उतनी ही महत्वता देते हैं, लेकिन छठ पूजा में ऐसा क्या? हम लोग के जीवन में जिस तरह भगवान जो है, जो कमियां है सामने हो जाए, सुबह नया प्रकाश जीवन में लेके आए। छठ को लेके क्या कहना है? छठ को लेके कहना है कि ये हमारे बिहार का बहुत आस्था भरा चीज़ है, बहुत आस्था भरा फेस्टिवल है, ठीक है। मैं भी बाहर में रहता हूँ, मैं नोएडा में खुद ही रहता हूँ, ठीक है, बट छठ के कारण मैं खास तौर पे यहाँ आया हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ का रौनक बहुत अच्छा है पटना का, खासकर पटना का, और वो इस घाट का, जैसे NIT घाट है तो इस घाट का रौनक काफ़ी अच्छा है। तो ये मतलब कि यहाँ बिहार का पर्व ये खासकर बच्चों के लिए आस्था होता है कि जिनके बच्चे मतलब उस तरह से है, तो उस चीज़ को लेके खासकर बहुत ज़्यादा आस्था रहता है इंसान उसमें, और उसके लिए पर्व को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आपको बता दें कि जैसे ही इस महापर्व की तैयारी शुरू होती है पूरे बिहार में, खासकर राजधानी पटना में, तो खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हर घाट का मुआयना करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर कौन सा घाट जो छठ व्रती हैं उनके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि छठ पर्व शुरू होने से कुछ ही दिन पहले बरसात की मौसम ख़त्म होती है, इसलिए वाटर लेवल काफ़ी हाई होता है। और ऐसे में हर घाट का खुद मुख्यमंत्री जी मुआयना करते हैं। आपको चल के हम दिखाते हैं कि आखिर इस घाट की क्या स्थिति है, और ऐसे में जिन घाटों की स्थिति सही नहीं रहती है वहाँ पे खतरा लिखा जाता है, उस घाट को बनाया जाता है, काफ़ी मेहनत की जाती है ताकि कोई भी घाट सूना ना रहे, हर घाट पर जो छठ व्रती हैं वो पूजा कर सके। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये NIT घाट है, पटना का काफ़ी फेमस घाट है, पटना NIT कॉलेज के पीछे ये घाट स्थित है, बसा हुआ है, और यहाँ पे जितने यंगस्टर्स हैं ये नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे चिल करने के लिए आते हैं, टाइम निकाल कर आते हैं दोस्तों के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। और जैसे ही छठ पर्व शुरू होता है वैसे ही इस घाट की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि घाट को किस तरीके से सजाया गया है, ये वो रेखा दी गई है, ये वो बांस लगाया गया है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे आगे खतरा है, इसलिए इतने दूर में ही व्रती यहाँ पे पानी में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। और भी यहाँ पे लोग हैं, शाम का समय है, छठ पूजा शुरू हो चुका है, नहाए खाए का दिन कल था और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो रौनक है वो घाट पर देखने को मिल रही है। आप पटना के रहने वाले हैं? या क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या करते हैं राजेश जी? मेरा बर्गर पॉइंट है। अच्छा, बर्गर पॉइंट है आपका। राजेश जी ये बताइए कि NIT आपका बर्गर पॉइंट पास में ही है, आप जानते होंगे NIT मोड़ पे है, तो यंगस्टर्स तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं, लेकिन छठ पूजा शुरू होते ही घाट को जितनी खूबसूरती से सजाया जाता है, देश दुनिया से लोग आते हैं, इतना महान क्यों है ये पर्व? ये शुरू से ही महानता का प्रतीक है। क्या क्या मायने रखता है बिहारियों के लिए पर? ये सूर्य भगवान का पूरा पूजा होती है इसीलिए। आपको बता दें एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ पर उगते हुए सूर्य की नहीं डूबते
उगते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। और यहाँ पर इस पर्व को इसलिए इतना महान कहा जाता है, यहाँ पर लोग काफ़ी कोई भी भूल चूक ना हो जाए, काफ़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ वो इस पर्व को मनाए, जिसकी वजह से नहाए खाए के दिन ही जितनी भी व्रती हैं वो घाट आती हैं, सुबह गंगा स्नान करती हैं, गंगा का पानी ले जाती हैं, फिर उसी में जितने भी खाने की चीज़ है, सामग्री है, उसको धोया जाता है और तब जाके उसे बनाया जाता है, उसको शुद्ध करके बनाया जाता है यहाँ पे। और कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे चल के बात करते हैं। आप लोग बताओ भाई, जब भी छठ पूजा आता है आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है घाट को सजाने में, रोड को साफ करने में, एक अलग माहौल बनाने में, क्या लगता है ये पर्व आते ही दिल में क्या? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। ये पर्व हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल पर्व है। इसमें साफ़ सफाई इतना पर्व है कि ऐसा कोई और दूसरा पर्व नहीं जितना साफ़ सफाई इस पर्व में रहता है, इसलिए इसका वैल्यू अलग ही बढ़ जाता है। इसमें सूरज डूबते हुए और सूरज उगने दोनों का पूजा होता है। क्या योगदान है इस बार आप लोगों का इस पर्व में, क्योंकि यंगस्टर्स का हमेशा से खासकर पटना की सड़कों पे काफ़ी देखने को मिला है। जो भी योगदान है सारा डेकोरेट किया हुआ है, आप खुद देख सकती हैं कैसे साफ सफाई है कि नहीं। मतलब मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा पर्व है जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि कहाँ टेंट लगाना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ शांति बनाई रखनी है। एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हर घर का इंसान बाहर निकलकर अपना योगदान देना चाहता है। साफ सफाई, सड़कों को गंगा के पानी से धोया जाता है। भाई आप लोग यहाँ वहाँ शूट चल रहा है, आप ये देख रहे हो, यहाँ भी इधर भी एक शूट चल रहा है। मुझे ये जानना है कि ये जो पर्व है, देश दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन एक बिहारी के दिल में इस पर्व की क्या जगह है? बिहारी के दिल में सबसे पहले तो जनहित चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इस दिखाने के लिए, लोक आस्था के महापर्व छठ 2022 को। बहुत ही बिहारी के दिल में बहुत ही एक्साइटमेंट होता है सबसे पहले कि घर जाए, कहाँ पर जहाँ पर भी रहे, लेकिन जो मतलब जहाँ कुछ वजह से नहीं जा पाते हैं तो उसको मिस करते हैं घर को। जैसे हम लोग कर रहे स्टूडेंट हैं बट घर नहीं जा पाए कुछ, लेकिन बिहार में ये बहुत बड़ी, हाँ बिहार में बहुत बड़ी बात। मैं आपको बता दूं, मैं खुद नोएडा में रहती हूँ और जैसे ही ये त्यौहार आने वाला था वैसे ही चैनल वालों से छुट्टी मांगना शुरू कर दी कि भाई थोड़ी छुट्टी दे दो, हमें घर जाना है, हमें अपने घर पे छठ मनाना है। क्योंकि बिहार में जो इस महान पर्व को मनाने की जो ये फीलिंग है, ये शायद कहीं और किसी और दूसरे स्टेट में नहीं आ सकती है। यहाँ पर और भी आप लोग बताओ भाई, इधर देख लो थोड़ा सा, उधर भी शूट चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बिट्टू। हाँ, क्या करते हैं बिट्टू? हम पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट हैं आप, लेकिन आपको पता होगा जैसे ही पर्व शुरू होता है, चाहे वो बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, काम करने वाले हो, सब मिलजुल के ये पर्व मनाते हैं। ये पर्व का देखे त्यौहार ऐसा त्यौहार है ना कि दिवाली जैसे ही आते हैं हम लोग को मन में उत्साह बढ़ जाता है। इस त्यौहार खासकर बिहार, यूपी, असम और झारखंड का ऐसा मुख्य त्यौहार है, महापर्व त्यौहार हम लोग का है। इसमें हम लोग मनाते हैं पूरे धूमधाम से और देख रहे डेकोरेशन बिहार का इससे और अच्छा, सभी जगह घाट पे ऐसा ही फैसिलिटी है सब चीज़, मतलब पुरुष का ले और जेंट्स का दोनों का सबके अच्छा अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। ये बताइए कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है? दिवाली हमें पता है क्यों मनाया जाता है, दुर्गा पूजा हमें पता है क्यों मनाया जाता है, छठ पूजा क्यों मनाया? छठ पूजा ऐसा हम लोग सूर्य को मतलब देते हैं, मतलब और उगते हुए भी और डूबते हुए दोनों को हम लोग को पूजा करते हैं सूरज का, जो जबकि हर जगह होता है उगते हुए सूरज को सब लोग पूजा करते हैं लेकिन डूबते हुए नहीं। लेकिन हम लोग का इस छठ पर्व जो है बिहार का महापर्व जो माना जाता है, इसमें दोनों का होता है, उगते हुए भी और सूरज को अस्त होते हुए भी। यहाँ और भी कुछ लड़के हैं, भाई ये बताओ कि छठ पूजा को लेकर दिल में क्या क्या स्थान है? मतलब लोग इतने शर्मीले भी हो सकते हैं, वो कभी कभी कैमरा के सामने ही पता चलता है कि लोग इतने भी शर्मीले होते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं जो कैमरा देखकर भाग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, छठ के बारे में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी बोलने में 1% भी हिचक होगा, खासकर बिहारी को जो सालों से इस पर्व की महानता जानते हैं। आप लोग बिहार से हैं, ये बताइए कि एक बिहारी के लिए छठ पूजा की क्या जगह है उनके दिल में? इसके लिए ये बिहारी के लिए एक इमोशन है, ये सब बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है, इसी के लिए बिहार के लोग जाने जाते हैं और क्या। देश विदेश से लोग, हाँ देश विदेश में ही, हर देश, यहाँ तक देखिए लंदन, अमेरिका, सभी जगह ये छठ मनाई जाती है। तो इसी से हम लोग की जान पे, हम लोग का सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा इसी से जानी जाती है। इस पर कितने एक्साइटेड हैं? इस पर के लिए बहुत ज़्यादा। पटना में ही रहते हैं आप? हाँ। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस पर्व में सबसे ज़्यादा ये होता है कि साफ सफाई हमको देखने के लिए मिलती है। इसमें बिहार गवर्नमेंट
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमें। इनके चेहरे की चमक बता सकती है कि कितने एक्साइटेड हैं इस पर्व को लेके। तो आपने देखा, ये बिहार की राजधानी पटना के एक फेमस NIT घाट से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस महान पर्व की तैयारी चल रही है। छठी मैया का दिन शुरू हो चुका है, 4 दिवसीय ये त्यौहार है जिसमें पहला दिन कल नहाए खाए था और आज खरना है। आपने जाना और आपका इस महान पर्व को लेकर क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस छठी मैया के इस त्यौहार को लेकर आपके दिल में क्या जगह है ये भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद। पटना से आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।